नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में पहला T20 मुकाबला जो कि 6 अक्टूबर 2024 को खेला जाएगा। ये मुकाबला माधवराव सिंधिया स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा। काफी ज्यादा लोगों की आस्किंग इस बात के लिए है कि इस मुकाबले टिकट बुकिंग के लिए कब अवेलेबल होंगी। तो बता दूं मैं आपको कि आज यानी कि 20 सितंबर 2024 को इसके टिकट की लाइन जो है वो सुबह 10 बजे खुल रही है। खुलेंगी सिर्फ एक जगह जिसका नाम है पेटीएम इंसाइडर प्लान में खुलेंगी। आप जाके आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आप जाके वहाँ टाइप करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक टाइप करेंगे, उसके बाद से आपके सामने इस मैच की टिकट बुकिंग के लिए अवेलेबल दिखा देंगी। आप बहुत आसानी से बुक कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में पेटीएम इंसाइडर नाम का ऐप नहीं है तो उसको अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना ID वगैरह बना के साइनअप वगैरह कर लीजिएगा। साइनअप करने के बाद 10 बजे जब लाइनें ओपन होंगी तो तुरंत जाके वहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद टिकट आ जाएगी, तुरंत बहुत आसानी से आप टिकट बुक कर लेंगे। बता दूं मैं आपको कि टिकट बुक होने के बाद आपको टिकट जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि होम डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है। यानी कि टिकट बुक करने के बाद आपको जाके बॉक्स ऑफिस से टिकट लेना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस आप 5 तारीख या उससे पहले जाके ले सकते हैं, क्योंकि 6 तारीख को मुकाबला है, 6 तारीख को आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो जो भी जानकारी है फिजिकल टिकट से रिलेटेड वो जानकारी आपको पेटीएम इंसाइडर के द्वारा मैसेज और ईमेल के थ्रू दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस मुकाबले टिकट बुक कर पाएंगे। 10 बजे सुबह लाइनें ओपन होंगी, तुरंत जाके आप अपने टिकट को बुक कर लीजिएगा।